का दोस्तों आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो मेरे दोस्त केपी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, यदि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर। ये आपके सामने एक बर्थ डिटेल है। जन्म है जातिका का 14 मई 1988, बर्थ है 12:29 नागपुर। इन्होंने इसी दिसंबर 2018 में मुझे फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया और प्रश्न पूछा कि मैंने मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन बोर्ड का जो एग्जाम है वो दिया हुआ है, उसका रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आने वाला है, क्या मैं वो क्लियर कर पाऊंगी या नहीं। अब क्योंकि क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कनेक्टेड है, तो यहां पे यदि तो एग्जाम नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं उसमें तो यदि देशाभुक्ति अंतर 4, 9, 11 सिग्निफाई करे तो जातक क्लियर कर जाता है, लेकिन अब प्रश्न था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो यहां पे 4, 9, 11 के साथ 6 हाउस का आना भी लाजमी है। तो मैंने जो चार्ट इनका डीबीए था वो देखा, गोचर देखा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि कैसे कई बार हमें दशा लोड जो है बड़ा अच्छा चल रहा है, भुक्ति लोड भी काफी अच्छा होता है, लेकिन कई बार अंतरा हमें धोखा दे जाता है और कई बार साथ में गोचर भी हमें धोखा दे जाता है। और इस जातिका के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इसको अंतरा और गोचर दोनों एन मौके पे धोखा दे गए। कैसे? दशा इनको चल रही थी मून की। मून इनके चार्ट में केतु के नक्षत्र पे और गुरु के उप नक्षत्र पे है, और गुरु इस चार्ट में टेनेंटेड है और गुरु खुद वीनस के स्टार पे है। तो पहले दशा देखते हैं मून। मून देखिए 9th हाउस में है, 4th हाउस 12th हाउस का वो लॉर्ड बना, स्टार केतु फर्स्ट हाउस में, और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि एस्पेक्ट 9th और 8th हाउस का गुरु लॉर्ड बना, साइन सन 9th हाउस में, सब इसके गुरु का, तो गुरु जो है टेनेंटेड है और स्टार ऑफ सब इसमें वीनस। वीनस देखेंगे 10th हाउस में, राशि बना स्वामी 3rd हाउस का। अब यदि ध्यान से देखेंगे वीनस राशि चार्ट में 11th हाउस में है, भाव चार्ट में 10th हाउस में चला गया, और वीनस 5:34 पे है और 11th हाउस 5:50 पे है। डिग्रीकली युति उसकी 11th हाउस के साथ है। वीनस अब ध्यान से देखेंगे तो शनि की दृष्टि वीनस के ऊपर है, सेक्टर 5th हाउस में, और कस्पल सबलॉर्ड बना ये 4 और 10th हाउस का, क्योंकि ये अनट्रेंड है। अब देखिए दशा लॉर्ड प्लैनेट लेवल पे 9th हाउस हमें सिग्निफाई कर रहा है, स्टार लेवल पे भी 9th हाउस हमें सिग्निफाई कर रहा है। सब लेवल पे देखिए वीनस जो 10th हाउस में है लेकिन नियर टू नेक्स्ट कस्प 11th हाउस, डिग्री कली 11th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है। शनि 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, मतलब 4, 9 और 11, और सब लेवल पे हमारे पास यदि देखेंगे प्लैनेट लेवल पे 12, स्टार लेवल पे 8, सब लेवल पे 5। अब दशा ने हमें मिक्स रिजल्ट दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें ऐसा भुक्ति चाहिए कि और ऐसा अंतरा चाहिए जो पॉजिटिव हो। भुक्ति जातिका को चल रही थी राहु की। राहु देखिए 7th हाउस में, राशि चार्ट में मंगल के साथ, और मंगल 6 में और 4th हाउस का लॉर्ड बना।
राहु गुरु के स्टार है, नाइन्थ और एट हाउस में गुरु है। सब जो है राहु वो वीनस जो कि इस चार्ट में कनेक्टेड है, और वीनस जो है स्टार ऑफ सब, वीनस का वो बना मंगल। मंगल देखिए सिक्स फोर्थ का लॉर्ड, राशि चार्ट में सूर्य और बुध के ऊपर उसकी दृष्टि, सन नाइन में प्लस टेंथ में एंड इलेवेंथ, और बुध सेकंड हाउस का भी लॉर्ड। अब प्लैनेट लेवल पे सिक्स फोर, स्टार लेवल पे नाइन, सब लेवल पे सिक्स फोर नाइन इलेवन, फोर नाइन इलेवन प्लस सिक्स, और नेगेटिव जो है हमारे पास स्टार लेवल पे एट, सब लेवल पे टेन। अब हमें चाहिए फोर नाइन सिक्स स्ट्रॉन्गली भुक्ति जो है हमें दे रही है, लेकिन साथ में नेगेटिव भी है। एट हाउस इतना वर्क नहीं करेगा क्योंकि सब लेवल पे हमारे पास नाइन आ रहा है, लेकिन टेंथ जो है फिट करेगा। अब हमें ऐसा एक अंतरा चाहिए जो हमें स्ट्रॉन्गली सिक्स या इलेवंथ हाउस सिग्निफाई कर दे। जाति का निपरेशन पूछा अक्टूबर में, उस टाइम इनको जो अंतरा था वो था बुध का 20 नवंबर 2018 तक। हम सभी जानते हैं कि बुध के बाद केतु, अब केतु अंतरा चेक करते हैं। केतु फर्स्ट में एस्पेक्ट, नाइन में जुपिटर, एट का वो लॉर्ड बना, साइन सन, सन भी नाइन में, और केतु का जो स्टार है वो भी सन है नाइन में। केतु की युति बुध के साथ डिग्री के लिए, लेकिन युति नहीं बन रही क्योंकि सूर्य इस चार्ट में जीरो डिग्री पे है और बुध जो है 21 डिग्री पे है। सब जो है केतु वो चला गया मून के साथ में जो कि टेनेंटेड है। मून केतु के स्टार, स्टार ऑफ सब केतु, गुरु नाइन में, एट में साइन सन, सन भी नाइन में। अब देखिए प्लैनेट लेवल पे केतु जो है नाइन्थ में, स्टार लेवल साइन वो भी नाइन, स्टार लेवल पे भी नाइन, सब लेवल पे भी नाइन, एट आ रहा है लेकिन इसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा। नाइन्थ पॉजिटिव हाउस है, लेकिन हमें चाहिए सिक्स और इलेवन। अंतरा लॉर्ड हमें ना तो सिक्स सिग्निफाई कर रहा है ना ही इलेवन हाउस सिग्निफाई, और ऊपर से भुक्ति लॉर्ड राहु, और चार प्लैनेट है जो स्लो मूविंग है, राहु शनि केतु गुरु, इनका गोचर हमारे जीवन पे काफी असर डालता है क्योंकि ये प्लैनेट जो है काफी देर एक नक्षत्र पे रहते हैं, जैसे शनि है 13 महीने एक नक्षत्र पे गोचर करता है। अब जब मैंने एनालिसिस किया उस टाइम पे भी राहु को मैंने पकड़ा, ये कौन सी साइन और कौन से स्टार पे गोचर कर रहा है। जातिका ने बताया कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने वाला है, तो चेक किया राहु, जैसे कि सभी जानते हैं कि एक्स टाइम इस चार्ट पे 12 हाउस पे गोचर कर रहा है, चंद्र की राशि है। अब चंद्र नाइन्थ हाउस में है, पॉजिटिव हाउस है, लेकिन राहु उसकी राशि में 12 हाउस पे गोचर कर रहा है जो अपने में बुरा हाउस है। दूसरी बात, राहु शनि के नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, शनि इस चार्ट में फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस क्या हुआ, सिक्स हाउस से 12 हाउस हुआ, सिक्स हाउस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, शनि बेटा फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट लेके, मतलब सिक्स से 12 हाउस हुआ, सिक्स के लिए नेगेटिव हुआ। शनि इस चार्ट में अनटेनेंटेड है, जैसे कि हमने देखा था फोर और टेंथ हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना, फोर पॉजिटिव हाउस है, लेकिन हमें चाहिए सिक्स और इलेवन। टेंथ हाउस का भी वो कस्पल सब लॉर्ड है, टेंथ हाउस मतलब इलेवंथ हाउस से 12 हुआ। अब हमें दो हाउस चाहिए थे, कोई ऐसा अंतरा जो दो हाउस सिग्निफाई कर दे सिक्स इलेवन, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि हमें जो शनि है उसकी प्लेसमेंट फिफ्थ में है वो सिक्स से 12 हुआ, कस्पल सब लॉर्ड टेंथ हाउस का बना वो इलेवन से
12 हुआ प्लस अंतरा 6-11 चाहिए, वो हमें नहीं दे रहा। तो मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। आज ही उनका मुझे कॉल आया, मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आज आया। उन्होंने बताया कि मैं रिजल्ट जो है एग्जाम जो है क्लियर नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा भी मैं कब तक जो भी गोचर होगा डीबीए होगा उसके हिसाब से क्लियर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज आप दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो केपी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे हमें डीबीए सेलेक्ट करनी है किसी भी इवेंट को देखने के लिए और उसके बाद गोचर पकड़ना है कि गोचर वो पॉजिटिव या नेगेटिव हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। तो हम बड़ा इजीली किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।